भारत में छठ के महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। 4 दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाए खाए की परंपरा होती है और सरकार से अनुमति मिलने के बाद राजधानी दिल्ली में भी छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के छठ घाटों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण और हवा की खराब गुणवत्ता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं करीब 4 साल बाद इस बार राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। साल 2016 में दिवाली के बाद दिल्ली का AQI लेवल 431 था। इस बार दिवाली के बाद AQI 531, 533, 436 और 432 दर्ज किया गया है। बता दें कि राजधानी के वायु गुणवत्ता के खतरनाक श्रेणी में पहुंचने के पीछे पटाखे चलाने और पंजाब और हरियाणा से पराली जलाना भी अहम कारण है। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी भी दूषित हो गई है। दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की 6ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है, जहां आज पहले दिन नहाए खाए की परंपरा के लिए श्रद्धालु यमुना पर दिखे। लेकिन यमुना नदी में जहरीली झाग या गाद इकट्ठा हो गया है और इसी के बीच श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आपको बता दें कि कालिंदी कुंज के इलाके में यमुना नदी में जहरीली झाग तैर रही है और इसी झाग के बीच श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और दिवाली के बाद हुई आतिशबाजी के कारण राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। यमुना नदी में अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, जहां इस मुद्दे को भी राजनेताओं ने एक सियासी मुद्दा बना दिया है, जिसमें BJP नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा है। वहीं BJP सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इसी वजह से यमुना किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगाई थी। छठ पर्व 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे और चौथे दिन क्रमशः अस्त होते और उदय होते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। लेकिन राज्य सरकार पर ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हर साल लोगों को त्योहारों के समय इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है और वो क्यों हर साल इस समस्या को देखने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ।